अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में वेलकम है। आज मैं आपको पाकिस्तानी पठानी सूट की सलवार कटिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप किसी भी साइज की सलवार कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। अगर आपने मेरी पाकिस्तानी पठानी सूट की कुर्ता कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगाई है, अब वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पठानी सूट सलवार कटिंग करने के लिए हमें 2 गज कपड़ा चाहिए होता है, जो कि बड़े अर्ज का कपड़ा होता है। 39 सलवार की लेंथ है, हमने 39 पे मार्क लगाया और 3 इंच हमने इसमें नेफा और कांचे की सिलाई का मार्जिन रखकर एक मार्क लगाया। अब इस टोटल मार्क को मैंने डबल करके कपड़े को फोल्ड किया है और हमने इसमें पार्ट कटिंग करना है, जिसको हम पाइंछा कहते हैं, उसको मैंने फोल्ड कर दिया। ये हमने 8 इंच पर फोल्ड करना है। 8 इंच पर हम इसको इसलिए फोल्ड करेंगे, हमारी सलवार का बॉटम 16 इंच है, उसके हाफ में हमने पार्ट को कटिंग करने के लिए फोल्ड करना है। हम किसी भी साइज में पार्ट की कटिंग के लिए पार्ट की चौड़ाई बॉटम के साइज पर रखेंगे, जो कि उसके हाफ इंच पर होगी। 3 इंच का मार्जिन रखा है नेफे के लिए और उसके बाद लेंथ का मार्क लगाया और वहां से हमने लेंथ के मार्क पे एक लाइन लगा दी है, जहाँ से हम कटिंग करेंगे। अपने सलवार के पार्ट कटिंग के लिए मेथड यही यूज करना है कि जितना भी बॉटम होगा सलवार का, उसका हाफ पार्ट का चौड़ा रखना है। अब हम सलवार में कली की कटिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने सलवार में कितना घेर रखना है, यानी सलवार की चौड़ाई कितनी होगी और हम कली कितनी चौड़ी कटिंग करेंगे, उसका मैं मेथड आपको बताऊंगा। सलवार की कली कटिंग करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब हमने कली की चौड़ाई का मार्क लगाना है। हमने 8 इंच का चौड़ा पार्ट कटिंग किया था, उसका डबल हमने 16 इंच पर कली का मार्क लगाना है। ये टोटल 24 इंच की हमारी सलवार की चौड़ाई हो जाएगी, जो कि एक हिस्सा होगा सलवार का। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे, जो कि हिप के आधे में होगा, 41 से उसके आधे हिस्से में मैंने 20 इंच पे मार्क लगाया है। अब हम सलवार की लेंथ का मार्क लगाएंगे। हमने उतना ही मार्क लगाना है जितना लंबा हमने पार्ट कटिंग किया है, यानी 42 इंच पे मैंने एक मार्क लगाया। 1.5 इंच हमने बॉटम के लिए मार्जिन रखा है, जो कि सिलाई मार्जिन होगा। हमने बॉटम के हिसाब से पार्ट कटिंग किया है तो सिलाई मार्जिन हमने जो है कली के अंदर रखना है। अब ये तमाम मार्किंग हम स्ट्रेट कर लेंगे। पहले आसन की लाइन को स्ट्रेट कर लें, उसके बाद शेप स्केल से हमने कली को शेप देना है ताकि सलवार में अच्छा बल आएगा। इसकी कटिंग करेंगे और बाकी की 2 कलियां भी हम हेयर फेयर की कटिंग करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं हम किस तरह 2 कली और कटिंग करेंगे। आपने कली कटिंग करते हुए भी इसमें किनारी को निकालना है और एक अच्छी सलवार सिलाई करने के लिए आप इसमें अवला करके सिलाई करें। अगर आप किनारी के साथ सलवार की सिलाई करेंगे तो आपकी सलवार में ऑल्टर आएगी। अब जो बाकी कपड़ा हमारे पास आया है कली कटिंग करने के बाद, ये दूसरी कली के लिए हमारे पास एक ऑटोमेटिक शेप बन गया। इसके अंदर हमने कली को फिक्स करके बाकी की 2 कली भी कटिंग कर ली है। आपने इन 2 बातों का ख्याल रखना है कि जितना भी हमारा बॉटम हो सलवार का, आपने उतना ही चौड़ा पार्ट कटिंग करना है। अगर आपने अब तक मेरी पठानी सूट कुर्ती की कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मैंने एड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लगाई है, अब वहां से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। और सलवार का आसन हिप के हिसाब से हाफ पे रखना है और सलवार की चौड़ाई पार्ट के हिसाब से हमने डबल करके रखी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।